जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन संसार में। दोस्तों, आजकल बालों का सफ़ेद होने की समस्या काफ़ी कॉमन हो चुकी है। खासकर पहले तो ये एक एज के बाद 30-40 साल के बाद ये प्रॉब्लम दिखती थी, लेकिन आजकल तो छोटे बच्चों में भी इस प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। उसके प्रमुख कारणों में से ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ, या फिर भले बच्चे हों तो आजकल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पढ़ाई से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड यंग एज में। इसके साथ में सही खान पान न होना, जिसकी वजह से सही तरीके की डाइट हमारी बॉडी में नहीं जाती और जिससे हमारे बाल जो है उनको हेल्दी बनने में या फिर जल्दी सफ़ेद होते हैं, झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिनमें काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, तो जो हमारे बालों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। और इसके अलावा पॉल्यूशन या फिर किसी किसी में इसकी प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है। और बाल अगर सफ़ेद हो जाते हैं तो कई बार लोग बड़े हताश हो जाते हैं और कई तरीके के प्रोडक्ट ट्राई करते हैं अपने बालों को काला करने के लिए या फिर बालों को अच्छा दिखाने के लिए। और इसके अलावा डाई भी यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारे बालों पे फ़ायदे की जगह और नुकसान कर देती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। की जगह हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो अगर आप यूज़ करके देखेंगे महीने भर में आपको आपके जो काले बाल की समस्या है, ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आप देखेंगे आपके बालों की शाइन भी अच्छी रहेगी, ग्रोथ भी ज़्यादा बेटर होगी। इसके लिए आपको चाहिए ये देखिए अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर है, आप बाज़ार में मिल जाएगा आपको पाउडर, या फिर आप बाज़ार से ला के अश्वगंधा का पाउडर भी बना सकते हैं। हमारे पास में पतंजलि का पाउडर पड़ा था, हमने वो वाला पाउडर लिया है। ये आप पाउडर लीजिए और बराबर इसी मात्रा में आप बराबर मात्रा में भगराज को पीस के एक पाउडर बना लीजिए। ये भगराज है और ये अश्वगंधा का, दोनों का पाउडर आप बराबर मात्रा में लीजिए और आप इन दोनों को मिक्स कर लीजिए इस पाउडर को बराबर मात्रा में। और इसमें आप सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर तिल का तेल, आपको जो भी तीनों में से बेटर लगे और आपके पास में अवेलेबल हो, आप उस नारियल का तेल इस पेस्ट में मिला के देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप दोनों का पेस्ट पहले मिक्स कर लीजिए दोनों पाउडरों को, फिर इसमें तेल डाल के इस तरीके का पेस्ट बना लीजिए आपके हेयर की लेंथ के हिसाब से और आपके बालों के हिसाब से। और इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाइए, आप इसको अपने बालों पर लगा के आप 1 घंटे तक के लिए बालों की जड़ों पर लगा के छोड़ दीजिए और फिर 1 घंटे के बाद में आप इसको गुनगुने पानी से धो लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये इससे को थोड़े दिनों यूज़ करने से आपके बालों की जो अगर काले होने की प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी और ये आपके बालों की कंडीशनिंग के लिए भी हेल्पफुल करेगा और साथ में आपके जो बाल हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि भृगराज जो अश्वगंधा हो दोनों हमारी बालों के लिए काफ़ी हेल्दी। और अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते बेटर बनाना चाहते तो आप इसमें आंवला लीजिए, ये देखिए बाजार से सूखा आंवला, या फिर आप बाजार से आंवले का पाउडर इसका पाउडर बना लीजिए और इसको भी बराबर मात्रा में आप इसमें मिक्स कर लीजिए, तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर काम करेगा। तो आप इस पेस्ट को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके अगर बालों के काले होने की समस्या किसी भी तरीके की बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। जो भृगराज है इसको तो बालों के लिए सबसे बेस्ट जड़ी बूटी के रूप में माना जाता है, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करके बताइए हमें कि आपको अगर इससे फ़ायदा होता है। और साथ में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें नीचे वीडियो में बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरीके की दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।